हेलो स्टूडेंट, मैं मुकुल मिश्रा, केमिस्ट्री फैकल्टी एट पूछो तो एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग के 11th क्लास के लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इस 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में पूरे 2 साल की जो टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक्स डे बाय डे कवर अप होंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपका मटेरियल कंटेंट है वो आपको ऐप के थ्रू मिल जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट जो आपको कराए जाएंगे, प्रैक्टिस सीट अवेलेबल कराई जाएगी ऐप के थ्रू, वो भी आपको डे बाय डे प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो आज से फिर से एक फर्स्ट अनाउंसमेंट ये हो रही है कि आज से फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और सीधे हम लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है फर्स्ट डे, जो टॉपिक 11th का सबसे मोस्ट कॉमन टॉपिक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हैं, वो टॉपिक है मोल कंसेप्ट, उसके बारे में बात करेंगे। मोल कंसेप्ट, तो सबसे पहले तो बच्चों में ये जानना होगा कि ये मोल टर्म, इसका मीनिंग क्या है। तो मोल बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो मोल बेसिकली एक सिंपल एक नंबर है, जिसके एक सिंपल नंबर से डिनोट करते हैं। वो पर्टिकुलर एक नंबर वन मोल दैट इज 6.02 इंटू 10^23। ये एक पर्टिकुलर एक नंबर है। अब इसमें वन मोल कोई भी सब्सटेंस है या एटम है, आयन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अगर उसको वन मोल से एक्सप्रेस किया जा रहा है, दैट मीन्स उसके 6.02 इंटू 10^23 उसकी एंटिटीज प्रेजेंट होंगी, उस क्वांटिटी में एंटिटीज होंगी। जैसे इसको सिंपली समझते हैं तो वन मोल सोडियम एटम, इसका सिंपल सा मीनिंग है 6.02 इंटू 10^23 सोडियम एटम, ठीक है। ऐसे ही अगर बोलते हैं वन मोल कार्बोनेट आयन, तो इसका भी सिंपल सा मीनिंग क्या निकल कर आता है, कितने आयंस, तो 6.02 इंटू 10^23 कार्बोनेट आयन। तो ऐसे ही अगर कहते हैं कि वन मोल C2H6 इथेन मॉलिक्यूल, तो वन मोल इथेन मॉलिक्यूल का मीनिंग कितने मॉलिक्यूल्स, तो 6.02 इंटू 10^23 C2H6 इथेन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं एटम, आयन या मॉलिक्यूल के बारे में, ऐसे ही अगर हम लोग कहते हैं वन मोल एप्पल, तो इसका भी सेंस क्या होगा, 6.02 इंटू 10^23 एप्पल्स, कितने एप्पल्स, तो 6.02 इंटू 10^23 एप्पल्स। तो वन मोल अभी बेसिकली क्या समझ आया कि वन मोल बेसिकली क्या है, एक नंबर है, वो नंबर की वैल्यू कितनी है, 6.02 इंटू 10^23, करेक्ट है। अच्छा, अब वन मोल क्वांटिटी को और कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस को हम डिफाइन करने के लिए मोलर क्वांटिटी का यूज करते हैं, यानी कि मोल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं वो कितनी क्वांटिटी
कितनी क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है किसी, अगर कोई एक सैंपल दिया गया है तो उस सैंपल में वो मोलर क्वांटिटी के फॉर्म में कितने कितनी क्वांटिटी उसकी एग्जिस्ट कर रही है, इसके बारे में हम केमिकल सब्सटेंसेस को इन जनरल हम मोल्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटीज को। तो क्वांटिटीज को के लिए एक सिंपल, सबसे पहले हमने कहा कि वन मोल नंबर कितना होता है 6.02 × 10^23। तो ऐसे ही अगर ये कहा जाता है कि टू मोल कैल्शियम एटम, तो इसके नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने कैल्शियम एटम एक्सप्रेस करेंगे, तो नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 × 6.02 × 10^23 कैल्शियम एटम। ठीक है, तो एक सैंपल है जिसमें 2 मोल कैल्शियम एटम है, दैट मींस कितने कैल्शियम एटम है, तो 2 × 6.02 × 10^23 कैल्शियम एटम की प्रेजेंस उस सैंपल में है। ओके, आगे देखते हैं, मोल को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके अलावा और कैसे कर सकते हैं, एक और ग्राम वैल्यू में भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। हम लोग इससे ग्राम वैल्यू को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि एटॉमिक मास के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास को जैसे अगर पर्टिकुलरली कैल्शियम एटम का एटॉमिक मास की बात करें, तो कैल्शियम एटम का एटॉमिक मास एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास 40। अच्छा 40 क्या, इसका यूनिट क्या रखे, तो 40 एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करने के लिए एएमयू एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। इसको इन जनरल यू यूनिफाइड मास एएमयू को 1 एएमयू इज इक्वल टू यूनिफाइड मास यू से भी एक्सप्रेस करते हैं, तो 40 एएमयू। अच्छा इसी को एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करने का एक और तरीका भी है कि हम इसको 40 ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 40 ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब ये हम लोग एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है उसी को अगर एमयू फॉर्म में ना रखकर अगर हम ग्राम में रखते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास कंसिडर हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई H2O मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे H2O का मोलर मास, अब ये H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं सिंपली, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 × 2, दो हाइड्रोजन एटम है प्लस ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16, टोटल 18। ठीक है, तो ये तो इसका एटॉमिक मास है, तो इसको 18 एएमयू में इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। इसी को अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास में एक्सप्रेस करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में रखना है, तो हम क्या बोलते हैं, 18 ग्राम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर ये कहा जाए सोडियम आयन के बारे में बात करते हैं, तो सोडियम आयन का ओवरऑल एटॉमिक मास हम जनरली क्या लेते हैं, 23 एएमयू। इसको ग्राम एटॉमिक मास में, ग्राम एटॉमिक मास में अगर एक्सप्रेस करना है तो हम क्या बोलेंगे, 23 ग्राम। बस उसी क्वांटिटी को ग्राम में अगर ले लेते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में वो कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसके मॉलिक्यूलर मास वैल्यू को हम ग्राम में कंसिडर करते हैं तो। ठीक है, तो बात हम लोग कर रहे थे कि वन मोल एक्सप्रेस को, वन मोल क्वांटिटी को हम और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पहला हम लोग बात कर ली। अब दूसरी बात, हम उसको क्या ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, देखते हैं। तो वन मोल जैसा कि डिफाइन किया गया कि वन मोल इज बेसिकली 6.02 × 10^23 एंटिटीज। ठीक है, इसी को अगर सब्सटेंस की क्वांटिटी जैसे ही कह दिया जाए, वन मोल कैल्शियम एटम, पहले भी एग्जांपल लिया है तो हमने क्या कहा था, 6.02 × 10^23
कैल्शियम एटम। अब इसी को अगर हमें एक्सप्रेस करना है, वन मोल क्वांटिटी को ही एक्सप्रेस करना है ग्राम में, तो हम क्या यहां पर लेंगे, तो हम यहां लेंगे करेस्पॉन्डिंग ग्राम एटमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैल्शियम के लिए ग्राम एटमिक मास लेंगे, अगर H2O जैसे मॉलिक्यूल लेते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले सकते हैं। तो कैल्शियम का एटमिक मास होता है 40, तो अभी हमको ग्राम एटमिक मास एक्सप्रेस करना, तो हमें यहां क्या लेना चाहिए, 40 ग्राम लेना चाहिए। ठीक है, तो वन मोल, दैट इज वन मोल कैल्शियम इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 40 ग्राम वैल्यू। तो हमने एक्सप्रेस कर लिया, नंबर्स में एक्सप्रेस कर लिया, ग्राम में एक्सप्रेस किया। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे वन मोल H2O 6.02 × 10⁻²³ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा, अब H2O मॉलिक्यूल के करेस्पॉन्डिंग, इस वन मोल H2O के करेस्पॉन्डिंग ग्राम वैल्यू कितनी लेंगे, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास जो कि 18 हमने फाइंड किया था, तो 18 अगर केवल मॉलिक्यूलर मास रखना है यूनिफाइड मास में, तो AMU में हम एक्सप्रेस कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें वन मोल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, तो वो हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन्स 18 ग्राम हमें रखना पड़ेगा, एटमिक जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 18 ग्राम। ऐसे ही अगर हम लोग कहते हैं कि वन मोल सोडियम आयन, दैट इज 6.02 × 10⁻²³ सोडियम आयन, इसकी इक्विवेलेंट ग्राम वैल्यू कितनी होगी, तो ग्राम वैल्यू होगी इसका एटमिक मास 23, उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो 23 ग्राम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वन मोल क्वांटिटी को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ एंटिटीज के फॉर्म में रख सकते हैं, दूसरा उसकी एटमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की ग्राम वैल्यू के बेसिस पर भी उस सब्सटेंस की क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है, वन मोल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है। इन केस सब्सटेंस अगर गैसीय स्टेट में है तो फिर उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको सब्सटेंस अगर गैसीय स्टेट में है तो नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में तो रख ही सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास के फॉर्म में भी रख सकते हैं। एक और फैक्ट इसमें ऐड कर लेते हैं, अगर सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है तो उसको वॉल्यूम के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो ये कैसे, वॉल्यूम के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो एक फैक्ट इसमें हमें ये याद रखना होगा, वन मोल ऑफ एनी गैस, वन मोल ऑफ एनी गैस has volume 22.4 liter at NTP condition. NTP condition क्या होता है, normal temperature and pressure। अभी normal temperature and pressure कितना consider करते हैं, तो pressure NTP का sense है, NTP normal temperature, टेम्परेचर हम लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273K केल्विन में रखेंगे तो 273K। प्रेशर हम कितना लेंगे, ये तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर की बात करें तो 1 bar एक मिनट 1 atm प्रेशर, नॉर्मली जो प्रेशर होता है 1 atm प्रेशर, और टेम्परेचर क्या कंसिडर करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273K और 273K टेम्परेचर। इस कंडीशन पे किसी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। अच्छा, अब इसमें इसी अगर सब्सटेंस गैसेस फॉर्म में है और तो उसको नंबर ऑफ एंटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी ग्राम वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभी इसको वॉल्यूम के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, वन मोल सी एच फोर तो हम क्या बोलेंगे, 6.02
इंटू 10^23 सी एच फोर क्या है मॉलिक्यूल, तो सी एच फोर मॉलिक्यूल्स। और क्या बोलेंगे फिर इसमें अगर बात किया जाए इसकी ग्राम वैल्यू कितनी लेंगे, वन मोल क्वांटिटी की ग्राम वैल्यू कितनी होगी, वन मोल सी एच फोर क्वांटिटी का ग्राम वैल्यू कितना होगा, तो कार्बन का एटमिक मास 12 आपको पता है, हाइड्रोजन का एटमिक मास 1 पता है, सबको ऐड करेंगे, चार हाइड्रोजन है तो 4 वैल्यू ऐड होगी, कार्बन 12 है तो क्या हो जाएगा 12 + 4 × 1 दैट इज 16। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा 16 ग्राम सी एच फोर, ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा अब ये तो बात हो गई, ये तो हम लोग पहले से जानते थे, अभी हम लोग ने पहले डिस्कस कर रखा है। अब आगे आते हैं, इसके आगे की बात ये है कि एक मोल गैस का जो वॉल्यूम है एनटीपी पर कितना होता है 22.4 लीटर। तो अभी इस क्वांटिटी को हम ऐसे भी रख सकते हैं 22.4 लीटर सी एच फोर गैस एट एनटीपी, मतलब एक मोल क्वांटिटी को आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एक्सप्रेस कर लिया, उसकी ग्राम वैल्यू में एक्सप्रेस कर लिया, और इवन अगर सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है तो उसको वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये आइडिया अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए, जैसे सी एच फोर के लिए है तो यहाँ पे ये 16 ग्राम आएगा, लेकिन अगर कोई दूसरी गैस होगी, जैसे अगर मान लेते हैं O2 गैस है तो 1 मोल O2 गैस, तो नंबर ऑफ एंटिटीज तो सेम ही रहेंगे 0.6.02 × 10^23 O2 मॉलिक्यूल, ये तो सेम ही रहेंगी। ठीक है, अच्छा इसको ग्राम में जब एक्सप्रेस कर रहा होगा तो O2 का मोलर मास कितना होता है, तो O2 का मोलर मास एक ऑक्सीजन एटम का एटमिक मास होता है 16, तो O2 के लिए मोलर मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम O2, करेक्ट है ये। अच्छा अब O2 एक गैस, ऑक्सीजन एक गैसेस स्टेट में है, अगर ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में होती है, परमानेंट गैस है, तो गैस इसको गैसेस स्टेट में अगर है तो उसको हम एक इसमें एनटीपी कंडीशन अगर इसको प्रोवाइड करते हैं तो इस गैस का वॉल्यूम कितना होगा, एनटीपी कंडीशन में इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर O2 गैस हो जाएगा। ठीक है, एट एनटीपी, ये ध्यान रखेंगे ये पर्टिकुलर कंडीशन में ही ये वॉल्यूम होगा, अगर कंडीशन चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी फिर चेंज होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे, आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे, अभी फिलहाल एनटीपी कंडीशन पर इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि 1 मोल इज करेस्पॉन्ड टू 6.02 × 10^23 एंटिटीज। फिर क्या देखा, फिर हमने ये देखा कि एक सब्सटेंस अगर एटमिक फॉर्म में है तो उसको ग्राम एटमिक मास से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और अगर सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है तो एट एनटीपी कंडीशन वॉल्यूम 22.4 लीटर गैस एट एनटीपी भी होगा। तो एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं इस बात को और पक्का करने के लिए, तो 1 मोल ले लेते हैं, हमने ले लिया C2H4 इथाइलिन गैस, तो 1 मोल C2H4 गैस, इसमें अगर ये पूछा जाए आपसे कि नंबर ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो 6.02 × 10^23 C2H6 मॉलिक्यूल, इसी को अगर हमें एक्सप्रेस करना है, अब ये तो C2H4 एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म होने पर इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमें लेना पड़ेगा, तो C2H4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 12 × 2 + 4 दैट इज 28। ठीक है, तो 28 ग्राम C2H4, इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अच्छा, और सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है तो आप 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी ये भी रख सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह से हमने एक मोल क्वांटिटी को कैसे कैसे हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो पार्टिकल के फॉर्म में, ग्राम एटमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में, या फिर अगर सब्सटेंस गैसीय स्टेट में है तो उसको वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूले फिर क्या बन जाते हैं, तो फॉर्मूले इसी आइडिया के बेसिस पर फॉर्मूले सिंपल से बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, जैसे अगर नंबर ऑफ मोल्स को कोई क्वांटिटी गिवन है इन ग्राम, इन केस एक क्वेश्चन रख लेते हैं यहां पर, जैसे हम लोगों ने ले लिया 56 ग्राम ऑफ N2, ठीक है, 56 ग्राम ऑफ N2 हमारे पास क्वांटिटी है, इसके लिए मोल क्वांटिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स हमें बताने, नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करने हैं, ठीक है। तो सिंपल नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप फॉर्मूला सिंपली क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ये इज इक्वल टू वेट गिवन, जो भी गिवन वेट है इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको डिफाइन करने हैं तो जो भी ग्राम एटमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया है उसको आपको गिवन वेट से डिवाइड करना होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्रेस करने के लिए इन केस सब्सटेंस क्वांटिटी इन केस गिवन है 33.6 लीटर CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स इसमें डिफाइन करने हैं, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम एट NTP, ये बात ध्यान रखनी होगी वॉल्यूम NTP पर ही होना चाहिए, वॉल्यूम अगर NTP पर गिवन है तो फिर हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम एट NTP डिवाइडेड बाय एक लीटर, एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो बस इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्जन हो जाएगा। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ मोल्स को एक्सप्रेस करना है नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इनको अभी सॉल्व भी करेंगे, लिया है 9.0 × 10⁴ कैल्शियम एटम, ये गिवन है तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम क्या होंगे ये हमें डिफाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब पार्टिकल्स वो एटम फॉर्म में हो सकते हैं, आयंस के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल फॉर्म में हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁰³। अच्छा ये 6.02 × 10⁰³, इसे एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, इसको सिंपली NA से डिनोट भी किया जाता है, तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर NA। तो बस अब इसमें इन जो क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं उसमें ये अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करेंगे तो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे। तो फर्स्ट केस लिया जा रहा है, फर्स्ट केस में आप 56 डिवाइडेड बाय ग्राम वैल्यू गिवन है डिवाइडेड बाय N2 का मोलर मास कितना होता है, N2 का नाइट्रोजन का एक एटम का एटमिक मास 14, दो नाइट्रोजन एटम है 28, तो डिवाइडेड बाय 28 ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मोल, ठीक है, तो फर्स्ट आंसर आ गया आपका 2 मोल। ऐसे ही फिर आगे देखते हैं 33.6 लीटर CO गैस,
ये वॉल्यूम दिया हुआ है इसका, तो वॉल्यूम इसको नंबर ऑफ मोल्स में एक्सप्रेस करना है, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो 33.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.5। तो इस तरह से इसका इसके मोल्स आ जाएंगे 1.5 मोल। ऐसे ही हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए थर्ड फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है, वो 9.0 इंटू 10^24 कैल्सियम एटम गिवन है। इसको एक्सप्रेस करना है, इसको एक्सप्रेस करना है 9.0 इंटू 10^24 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो 6.0 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए यहां पे 6.0 कंसिडरेशन कर लेते हैं, इंटू 10^23 सॉल्व करेंगे, लगातार लाइक लगातार कमेंट्स आते जा रहे हैं। साकिब, अमित, हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ यू, ओके। और कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं लगातार, चलिए थैंक यू। आगे देखते हैं टॉपिक को, इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 1.5 इंटू 10 दैट इज 15 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम। तो ऐसे ही लगातार अपने कमेंट्स देखते रहिए, भेजते रहिए, जिससे ये मुझे पता चलता रहे कि आपको बात समझ में आ भी रही है नहीं, केवल आप वायर लिखिए, मैं उससे समझ जाऊंगा, जिससे कि मेरी बात आप तक क्लियरली पहुंच रही है। ओके, आगे देखते हैं, तो मोल्स को हम लोगों ने, मोल क्वांटिटी को हम लोगों ने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में, ग्राम वैल्यू के फॉर्म में और वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि इनमें इंटर कन्वर्जन जब हमें करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो उसको एक लेट से एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस 45 ग्राम ऑफ H2O को हमें एक्सप्रेस करना है इन केस नंबर ऑफ मोल्स में एक्सप्रेस करना है, इसी को हमें एक्सप्रेस करना है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, और इसी को एक्सप्रेस करना है अगर सब्सटेंस ये वापस स्टेट में है, H2O वापस स्टेट में है, तो वॉल्यूम ऑफ H2O अगर इसको वापस स्टेट में कंसीडर करते हैं, एक मिनट ये हटा देते हैं अभी फिलहाल, इसी को एक्सप्रेस करना है नंबर ऑफ एटम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राम वैल्यू है इसको नंबर ऑफ मोल्स में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय इसका H2O का मोलर मास 18, सॉल्व कर लेंगे इसकी वैल्यू, तो ये लगभग कितनी आएगी 2.5। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आए 2.5 जो कैलकुलेट किया। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स को अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो वन मोल ऑफ H2O करेस्पॉन्ड टू 6.02 इंटू 10^23 होता है, तो सिंपली 2.5 मोल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, 6.02 इंटू 10^23 मल्टीप्लाइड बाय
2.5 सॉल्व कर लेंगे ये वैल्यू, तो 6.02 इंटू 10^23, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ एटम, अच्छा अब नंबर ऑफ एटम में एक्सप्रेस करना है तो मॉलिक्यूल्स तो आ गए हमारे 2.5 एन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे आ गए ये 2.5 एन ए, इसको एटम में अगर एक्सप्रेस करना है, वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 एटम कौन कौन से, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो टोटल कितने 3 एटम है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ एटम की अगर बात करें तो टोटल एटम इन 45 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाइड बाय Na, ये तो मॉलिक्यूल्स थे, मल्टीप्लाइड बाय 3 और कर देंगे तो टोटल आ जाएंगे एटम्स, तो 7.5 Na एटम हो गए हमारे, ठीक है इस क्वांटिटी में। ओके अब इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में करने के लिए एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, फ्लो चार्ट से आपको थोड़ा कैलकुलेट करना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखना थोड़ा इजी हो जाएगा। जरा देखते हैं, तो जैसे ये हमारा मोल क्वांटिटी को, मोल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है ये बॉक्स, इस बॉक्स को अगर मोलर क्वांटिटी से हम वॉल्यूम एट एनटीपी, अगर सब्सटेंस गैसेस स्टेट में है और वॉल्यूम एट एनटीपी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, आपको पता है कि वन मोल करेस्पॉन्ड टू 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, जितनी भी मोलर क्वांटिटीज गिवन होगी उसको अगर वॉल्यूम में एक्सप्रेस करना है तो सिंपली 22.4 से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है। इन केस इसका रिवर्स जाना है तो हमें क्या करना होगा, तो इसी वैल्यू से डिवाइड कर लेना है, सिंपल सा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ये तो बात हो गई वॉल्यूम, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए या वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए। इन केस अगर वेट इन ग्राम में कन्वर्ट करना है, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो वेट इन ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मोल से अगर वेट इन ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मोलिकुलर मास से जैसा सब्सटेंस है उसी के अकॉर्डिंग, अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर मोलिकुलर फॉर्म में है तो ग्राम मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय। अच्छा इसमें इन केस अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, वेट इन ग्राम क्वांटिटी गिवन है और उसको मोल में, उस क्वांटिटी को मोल में एक्सप्रेस करना है, तो इसी ग्राम एटॉमिक मास सब्सटेंस का जो भी ग्राम एटॉमिक मास है या जो भी मॉलिक्यूलर मास है उससे आप डिवाइड कर देंगे, जो भी वेट इन ग्राम क्वांटिटी गिवन है उसमें ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर लिया, वेट इन ग्राम में रिलेट कर लिया, अभी एक और किस में रिलेट करना है हमें, तीसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में रिलेट करना है, यही थी, मोल को हम पार्टिकल के फॉर्म में रख सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में रख सकते हैं, वेट इन ग्राम क्वांटिटी में भी रख सकते हैं, तो अब लास्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एंटिटीज के बारे में, हमें एंटिटीज में रिलेट करना है तो कैसे रखेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एक्सप्रेस करने के लिए मोलर क्वांटिटी से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको फाइंड करने हैं तो सिंपली एवोगाड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई करना है। इन केस अगर पार्टिकल दिए हुए हैं और मोल में कन्वर्ट करना है तो फिर इसी नंबर से, एवोगाड्रो नंबर से ही डिवाइड कर देना है।
तो इस तरह से एक ये फ्लो चार्ट हमारा तैयार हो गया और इससे हम मोल क्वांटिटी को वॉल्यूम में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, वेट इन ग्राम में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग, जैसा रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन में वैसा हम कर सकते हैं। इन केस इसी का रिवर्स भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं उसको मोल में एक्सप्रेस करना है, या वेट इन ग्राम क्वांटिटी दी गई है उसको मोल में एक्सप्रेस करना है, या फिर वॉल्यूम एट एनटीपी दिया है उसको मोल में एक्सप्रेस करना है। तो इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम बहुत इजीली इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिए अपनी कॉपी में, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। बोर्ड में जो भी चीजें मेंशन की जा रही है, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी कॉपी में वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाएं, जिससे आपके अपने पर्टिकुलर नोट्स बन जाएंगे और ये नोट्स आपको हमेशा काम आएंगे। सेल्फ मेड नोट्स हमेशा आपके लिए लास्ट मोमेंट तक, जब आपको एग्जाम की जस्ट पहले रिवीजन करना होता है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देते हैं। तो अपने बनाए हुए नोट्स ही आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं, तो इसलिए आप अपने नोट्स लगातार मेंटेन करते चलिएगा स्टार्टिंग से ही, जिससे आपको जब एग्जामिनेशन नियर हो तो आपको रिवीजन में ज्यादा दिक्कत ना आए। जो आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं पहले से, नोट्स बना रखे हैं, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं, बजाय इसके कि कहीं हम फिर से बुक्स पलटना शुरू कर दें जिससे कंफ्यूजन बढ़ सकता है। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। और नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, नोट्स बनाने के लिए आपको जो भी बोर्ड में मेंशन किया जा रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाना है और आपके धीरे धीरे करके वो कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएंगे। ओके, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे इससे थोड़ा हम लोग फेमिलियर हो जाएं। तो जैसे ले लेते हैं, सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन एज टू दी पावर 23, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, 23 की जगह पर कुछ और ले लेते हैं, 24 ले लिया जैसे मैंने, ठीक है। अब इसको इसमें C2H6 इथेन गैस गिवन है, ठीक है। अब इथेन गैस में इसको कन्वर्ट करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, इसके अलावा इसको वेट इन ग्राम में एक्सप्रेस करना है, इसके अलावा इसको वॉल्यूम एट एनटीपी पर एक्सप्रेस करना है। तो क्या करना है, सिंपल, आप अभी इस समय कहां पर हैं, इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आप इस जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है। इस यहां से आपको मूव करना है, आपको कहां जाना है, नंबर ऑफ मोल्स में जाना है, तो आपको इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑलरेडी दे रखे हैं, तो कितने दे रखे हैं, 6.02 इंटू 10 इंच बार 23 मोल्स में कन्वर्जन करना है। तो क्या करना है कन्वर्ट करने के लिए, आपको एवोगैड्रो नंबर से जब इधर से इधर जाना होगा तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय एनए कर लेना है। तो कर लेते हैं, तो 6.02 इंटू 10 एच दी पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 एच दी पावर 23 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे 10 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे, 10, ये तो आ गए नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे ही दूसरा क्या बोला जा रहा है, वेट इन ग्राम, तो वेट इन ग्राम आपको फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं वैसे, लेकिन मोल से होकर जाते हैं, मोल के डायरेक्शन से होकर जाते हैं, तो मोल ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं 10, तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई यहां पर हमारे लिए इथेन मॉलिक्यूल के लिए, ये 10 मोल्स हो चुकी है। अब 10 मोल से उसको वेट इन ग्राम में एक्सप्रेस करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वेट इन ग्राम इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स 10 आ चुके हैं, इसमें आपको ग्राम मोलिकुलर मास, C2H6 का ग्राम मोलिकुलर मास कितना आएगा, कार्बन C2H6 के लिए दो कार्बन 12 प्लस 6 हाइड्रोजन, टोटल कितना हो गया ये 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट कितना आ जाएगा, ये 300 ग्राम, ये हमारा वेट इन ग्राम क्वांटिटी आ गई। नेक्स्ट है वॉल्यूम एट एनटीपी, तो वॉल्यूम एट एनटीपी कहां पर है, वॉल्यूम एट एनटीपी ये है वॉल्यूम एट एनटीपी, तो ये वॉल्यूम एट एनटीपी इसमें वॉल्यूम इन एनटीपी कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको क्या करना है, आप फिर से मोल जो कि ऑलरेडी 10 आप फाइंड कर चुके थे, इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्शन आपका मोल से वॉल्यूम की तरफ है, मल्टीप्लाइड बाय 22.4 करेंगे तो वॉल्यूम एट एनटीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.4, दैट मीन्स 224 लीटर C2H6 गैस एट एनटीपी। ओके आगे देखते हैं, तो इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आप इंटर कन्वर्जन मोल से ग्राम में, ग्राम या मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में या वॉल्यूम में एक्सप्रेस इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, या वेट इन ग्राम को मोल में, पार्टिकल्स को मोल्स में, या वॉल्यूम को मोल्स में भी सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हटा लेता हूँ मैं जरा, तो वॉल्यूम एट वॉल्यूम इन एनटीपी, वेट इन ग्राम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हमने एक एग्जांपल से कन्वर्जन करना सीख लिया। इसके अलावा कुछ और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, इस फ्लो चार्ट को और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, 3 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, 3 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, ठीक है, इसमें आपको एक्सप्रेस करना है, क्या क्या एक्सप्रेस करना है, आपको एक्सप्रेस करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या बताया जा रहा है, ऑक्सीजन एटम, केवल ऑक्सीजन एटम के बारे में बात हो रही है और किसी के बारे में नहीं, ना तो कार्बोनेट आयन पूछ रहे हैं ना नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछ रहे हैं, केवल ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को डिफाइन करना है। अच्छा, इसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सप्रेस करना है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपको एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे, तो अब यहां से सबसे पहले तो क्वांटिटी आपको कहां दी गई है, वेट इन ग्राम क्वांटिटी, 3 ग्राम क्वांटिटी आपको ऑलरेडी दे रखी है, इसको सबसे पहले आपको किसमें चेंज करना चाहिए, तो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही आगे मूव करते हैं, तो मोल्स में चेंज करना चाहिए, तो वेट इन ग्राम से आप मोल्स में आ जाएंगे, फिर मोल्स से फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए आपको नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन के बारे में पता होना चाहिए, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पता करना है, फिर उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के बारे में बात कर सकते हैं। तो वैसे ही आगे मूव करते हैं, तो 3 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, इसको मोल्स में एक्सप्रेस करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय इसका कार्बोनेट आयन का जो मोलर मास बन सकता है वो क्या, 12 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 48 प्लस 12 60, तो 48 प्लस 12 60, ये इसका मोलर मास हो गया, तो 3 ग्राम ऑफ कार्बोनेट को अगर मोल में एक्सप्रेस करना है तो 3 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 1 बाय 20 मोल्स ऑफ कार्बोनेट, 1 बाय 20 मोल्स ऑफ कार्बोनेट, ये तो आ गया मोल्स। मोल्स के बाद आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एक्सप्रेस करना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए जैसा है फ्लो चार्ट एक्सप्रेस कह रहा है आपसे, सिंपली क्या करना है, मोल से अगर पार्टिकल्स में एक्सप्रेस करना है तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू 6.02 × 10³³ होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो
6.02 इंटू, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आप भी क्या आ जाएंगे, ये नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन, तो ये कार्बोनेट आयन के नंबर्स हो गए। लेकिन आंसर क्वेश्चन तो ये तो नहीं था, क्वेश्चन तो ये था कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम फाइंड करने के लिए आप उसको एक और आइडिया और देखना होगा कि एक कार्बोनेट आयन कितने ऑक्सीजन आइटम कैरी करता है। तो वन कार्बोनेट आयन हैज थ्री ऑक्सीजन आइटम। तो कितने कार्बोनेट आयन है इसमें बेसिकली, तो 1/20 मल्टीप्लाइड बाय एन ए कार्बोनेट आयन है। तो अभी हमको क्या करना होगा, 1/20 इंटू एन ए कार्बोनेट आयन, 1/20 इंटू एन ए कार्बोनेट आयन इज इक्वल टू 1/20 Na मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑक्सीजन एटम। हम केवल ऑक्सीजन एटम के बारे में बात करेंगे इसलिए केवल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ एटम बोलते हैं तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक कार्बन एटम भी कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा Na 3Na डिवाइडेड बाय 20। इसको फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे, अगर आपको ऑप्शन से रिलेट करना है तो फाइनली कैलकुलेट करके ओवरऑल आंसर भी आप निकाल सकते हैं। फिर आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ, अब इस एक्चुअली थोड़ा सा आप फ्लो चार्ट को एक्सटेंड कर लेते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्या बन के आ जाता है, इसको मैं ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने फाइंड कर लिए थे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में से हमें अगर नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं, तो एक एन नंबर से और मल्टीप्लाई करना होता है। ये अब ये एन नंबर क्या है, एन नंबर एटम में, एन नंबर बेसिकली एन इज नंबर ऑफ एटम इन वन पार्टिकल, एक पार्टिकल में जितने भी एटम होंगे वो एन नंबर को डिनोट करेगा पार्टिकल, ठीक है। तो जैसे एक कार्बोनेट आयन में, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन एटम के बारे में बात हो रही थी, एक कार्बोनेट आयन में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो एन नंबर वहां के लिए इस पर्टिकुलर केस के लिए 3 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम अगर रिक्वायर्ड होते तो हम क्या करते, एक कार्बोनेट आयन में कितने एटम है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए, 4। तो फिर उस केस में अगर टोटल नंबर ऑफ एटम पूछे जाते तो एन की वैल्यू फिर 4 रखनी होती है हमें। इसी को अगर इलेक्ट्रॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेस करना है तो यही एन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये नंबर इलेक्ट्रॉन के केस में डिफरेंट हो जाएगा अलग अलग केसेस के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब यहां पर n जो डिफाइन करेगा, n इज नंबर ऑफ एटम स्लैश इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं, प्रोटॉन कर लेते हैं, न्यूट्रॉन कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पूछे जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन पार्टिकल। अगर प्रोटॉन पूछे जाएंगे तो क्या कहेंगे, n इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन पार्टिकल। अगर न्यूट्रॉन्स पूछे जाएंगे तो n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन एटम। ये क्या इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस किया गया है सिंबॉलिकली, ये प्रोटॉन्स को और एन से न्यूट्रॉन को एक्सप्रेस किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एन नंबर से एक मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तो एन नंबर बेसिकली क्या हुआ, n नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ एटम अगर फाइंड करें तो नंबर ऑफ एटम इन वन पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सप्रेस करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन पार्टिकल, प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन पार्टिकल, सिमिलरली न्यूट्रॉन्स के लिए भी। तो इस तरह से आप एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जरा एक इस क्वेश्चन का, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक्सेस करना, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 3 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, इसमें नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेस करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडिया लगाना होगा कि इसमें
3 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन जिसके मोल्स हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, तो 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 60 जो कि हमारे 1/20 मोल्स आए थे। फिर हम लोगों ने क्या किया था, इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एक्सप्रेस करना था, मोल्स के बाद पार्टिकल्स में आए थे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए थे, कार्बोनेट आयन कितने आए थे, तो ये कार्बोनेट आयन्स आ गए थे। यहां तक तो हम लोगों ने कर ही लिया था। अब इसके बाद कार्बोनेट आयन के बाद फिर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो हमें पहले ये फैक्ट ध्यान रखना होगा कि वन कार्बोनेट आयन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन के 8 और 3 ऑक्सीजन एटम है तो 3। अच्छा, दो नेगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है, तो दो नेगेटिव चार्ज भी लगा है तो उनको दो इलेक्ट्रॉन और कैरी एडिशनल लेने होंगे, तो टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 24 प्लस 6 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक पार्टिकल में 32 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास पार्टिकल्स कितने हैं, हमारे पास इतने सारे कार्बोनेट आयन है, तो अभी क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफाइन करने हैं तो बस इसमें 32 नंबर से और मल्टीप्लाई कर देना है, तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 20 Na सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने मोल क्या होता है और इस मोल क्वांटिटी को कैसे कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, इनमें इंटर कन्वर्जन कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। ओके, थैंक यू, आज का लेक्चर फिर यहीं से फाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी मोल कंसेप्ट के सेकंड पार्ट में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।